हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में बहुत 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 स्वागत है। हमारे पर्दानिशी प्रिजनर वांगजी की कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वो शयान अलग अलग लड़कियों के साथ था, जिसकी वजह से वांगजी बहुत जलस हो रहा था। वो शयान लड़कियों के बीच से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो कामयाब हो गया, पर जब उसने वांगजी की तरफ मुड़ कर देखा तो उसने पाया कि वांगजी वहाँ पर नहीं है। उसने परेशान होकर साय किया। दिन ढलने को आया था। दोनों के बीच में ऐसे ही लुका छुपी चल रही थी। वो शयान जानता था वांगजी प्यार और रोमांस के मामले में कच्चा है, फिर भी वो अपने दिल चुराने वाले को ढूंढ रहा था। वांगजी एक पत्थर पर खड़ा आगे बहता हुआ झरना देख रहा था। उसके दिलो दिमाग में तो मानो बवंडर उड़ गया था। हाथ में बिचन को टाइटली पकड़े हुए वो अपने आप को कोस रहा था कि वो क्लाउड रिसोर्सेस वापस पाने का मिशन कैसे भूल सकता है। इश्कबाजी करने में वो अपना समय व्यतीत नहीं कर सकता। उसने अपने हाथ में पड़े बिचन की तरफ देखा। वो एक बार घर वापस पा ले तो उसे इस सब झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो शियान का क्या है, वो तो अपने लिए कोई और ढूंढ ही लेगा। उसने अपने दूसरे हाथ से खींचकर बिचन को बाहर निकाला और तलवारबाजी की तैयारी करने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसके हर हलचल के साथ उसके बाल हवा पर उड़ रहे थे। उसका हर वार बहुत ही तगड़ा लेकिन नज़ाकत से भरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बिचन के साथ वो तलवार नृत्य प्रस्तुत कर रहा है। तभी कोई तलवार उसके तलवार से आकर टकराई। लाइट बिचन और डेमोन सुइबियान फिर से आमने सामने थे। एक पल के लिए वांगजी चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी मुद्रा कायम रखी। वांगजी को चुनौती देते हुए वुशियान मुस्कुराया। पीछे की झरने की आवाज़ उनके तलवारों के टकराव के आवाज़ के आगे अब फीकी लगने लगी थी। दोनों तलवारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने मालिक का गुस्सा निकाल रही हो। सुइबियां उसका प्रस्ताव ठुकराने की वजह से और बिचन उसके दिल के साथ खेले जाने की वजह से। जब वांगजी ने अपनी तलवार फहराई, वुशियान पीछे झुक गया और फिर आगे झुककर उसने वांगजी को कमर से टाइटली पकड़ लिया। लेकिन वो खुद को संभाल नहीं सका और दोनों ज़मीन पर गिर गए। जब वांगजी की पीठ जमीन से टकराई, अनजाने में दर्द की वजह से वो मौन कर गया। वो शयान वांगजी के ऊपर था। जब वांगजी को यह समझ में आया तो उसने उसे धक्का दिया, लेकिन वांगजी के ऊपर से हटने की बजाय वो शयान ने वांगजी को और कसके पकड़ लिया। अब वो वांगजी को ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकता। वांगजी को अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करते हुए वो शयान ने अपने लिप्स वांगजी के लिप्स पर रखे। शॉक की वजह से वांगजी की आँखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे पूरा एक मिनट लगा ये समझने में कि वो शयान उसे किस कर रहा है। वांगजी अब भी वो शयान को उसके शोल्डर से पुश कर रहा था, लेकिन वुशियान ने पीछे हटने के बजाय वांगजी को और टाइटली पकड़ लिया और उसे और रफली किस करने लगा। वुशियान के इस रफ किस की वजह से वांगजी को उसके अंदर की डिज़ायर और फ्रस्ट्रेशन दोनों समझ में आ रहे थे। ऐसा लग रहा था वुशियान सालों से वांगजी के लिए तड़प रहा था। वुशियान का इतना डेस्परेट किस देखकर वांगजी का गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। वुशियान ने वांगजी के लिप्स को बाइट किया, साथ ही अपना पूरा वेट वांगजी के छोटे से शरीर पर रखते हुए उसका सारा स्ट्रगल रोक दिया। हर पल वो किस और गहरा होता गया। जितना पैशनेटली वुशियान वांगजी को किस कर रहा था, उतने ही पैशन से वांगजी का दिल धड़क रहा था। इतने डेस्परेट किस के बाद भी क्या अब भी उसके दिल में वुशियान के उसके प्रति प्यार और आसक्ति पर शक रहेगा? वांगजी गहरी सांसें ले रहा था जब उसने वुशियान की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस की तो उसकी पलकें झुक गई। वुशियान ने फिर से एक बार झुककर वांगजी को किस किया, लेकिन इस बार वो काफ़ी जेंटल था। उसके किस के जरिए वो अपना प्यार, अपनी वांगजी के लिए केयर उसको महसूस करवा रहा था। अब तक वांगजी के जो हाथ वुशियान के चेस्ट पर रखे उसे पीछे पुश कर रहे थे, उन्हीं हाथों ने अब वुशियान के रोब्स को टाइटली पकड़ लिया था। उसे अपनी तरफ खींचते हुए वांगजी भी वुशियान को डेस्परेटली किस करने लगा। जितना प्यार, जितनी केयर उसे वुशियान के किस से मिल रही थी, वो भी अब उसे उतने ही पैशन से लौटा रहा था। वैसे ह्यूमन बायोलॉजी कहती है कि ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनके किस को कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही था। वुशियान पीछे झुककर वांगजी की खूबसूरती को निहार रहा था। उसकी झुकी पलकें, बिखरे बाल, हवा के लिए तरस रहे होंठ, शर्म से लाल रंग में डूबी त्वचा, ये एक बहुत सुंदर दृश्य था जिसे देखकर वुशियान के चेहरे पर फिर से एक बार बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर वांगजी होश में आ गया।
वांगजी ने अपना पूरा जोर लगाकर वुशियान को पीछे धक्का दे दिया और बिशन को लेकर वहां से भाग गया। वांगजी में अचानक आए इस बदलाव से वुशियान को झटका लगा, लेकिन चकल करते हुए वो उसी दिशा में देख रहा था जहां पर वांगजी भागकर गया था। वुशियान मुस्कुराता हुआ बोला, अब तुम क्या करोगे? मैंने अब तुम्हारे दिल में जगह बना ली है। तुम फिर से पकड़े गए हो मेरे प्रिजनर। वुशियान पीठ के बल ज़मीन पर लेट गया। आसमान को देखते हुए उसके चेहरे पर फिर से एक बार बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। वांगजी अपने कमरे में बैठा गुचिन प्ले कर रहा था। वो उसमें इतना खो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब किसी ने उसका दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। लान सिचेन पूरे एक मिनट के लिए वांगजी के सामने खड़े थे, लेकिन फिर भी वांगजी ने जब उन्हें नहीं देखा तब उन्हें समझ में आ गया कि कोई चीज़ वांगजी को परेशान कर रही है। वांगजी धीरे से अपने भाई की तरफ चलते हुए उन्होंने वांगजी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वांगजी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सिचेन का स्वागत किया, उन्हें अपने पास बिठाने के लिए जगह दे दी। दोनों भाई खिड़की से बाहर दिख रहे बगीचे के दृश्य का आनंद ले रहे थे। वांगजी, क्या कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? सिचेन ने पूछा। उनके चेहरे पर वांगजी के लिए चिंता झलक रही थी। ये देखकर वांगजी एक पल के लिए ठहर गया, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए नामे सर हिलाते हुए सिचेन को मना कर दिया। वो अपने बड़े भाई को अपने पहले किसके बारे में कैसे बता सकता है? ये बात अलग है कि उसके दिमाग में लूप की तरह हर बार वही सीन चल रहा था। ये बहुत शर्मनाक बात है कि गुस्सू पर ध्यान देने की बजाय वो एक आकर्षक नौजवान के पीछे पागल हुआ जा रहा है, जो सिर्फ आकर्षक ही नहीं प्रभावशाली, ताकतवर, बुद्धिमान, मेहनती, खूबसूरत। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो वांगजी? अपने विचारों की दिशा देखकर वांगजी चौंक गया। वुशियान के बारे में वो ऐसा कैसे सोच सकता है? वो घमंडी सेनापति आकर्षक कब से हो गया? वांगजी के ख्यालों की ट्रेन सिचेन की बातों से रुक गई। तुम ठीक हो ये जानकर अच्छा लगा। कल के कोर्टिंग सेशन के बारे में तुमने क्या सोचा है? सिचेन के स्वर में चिंता झलक रही थी, लेकिन इस बात का ख्याल आते ही वांगजी तो दंग रह गया। अपने अंदर के डर को काबू करते हुए वो बुदबुदाया, मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। जब तक गुसू ठीक है मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वांगजी की बातों से उसके दिल की सादगी झलक रही थी। वो गुसू से बहुत प्यार करता था और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार था। वांगजी की सीधी सी बात सिचेन के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। वांगजी भले ही अपनी खुशियों के बारे में ना सोचता हो, लेकिन उसके भाई तो चाहते हैं कि वांगजी हमेशा खुश रहे। सेनापति जियांग वुशियान के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सिचेन ने वांगजी के दिल का हाल जानने की कोशिश की। वो बस एक बहुत अभिमानी व्यक्ति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वांगजी ने धीरे से कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि सिचेन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। बस ऐसा है क्या? सिचेन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वांगजी का परेशान चेहरा कुछ और ही हकीकत बयां कर रहा था। उसके कान लाल हो चुके थे। उसके हाथों में पहना हुआ जेड पत्थर का ब्रेसलेट और उसमें जड़ा हुआ लाल रंग का कमल का फूल अपने बनाने वाले का नाम चिल्लाकर बता रहे थे। सिचेन ने वांगजी के बालों को सहलाया। वांगजी का परेशान चेहरा अब शांत हो गया। वांगजी सिचेन के कंधे पर झुक गया। बड़े भाई की मौजूदगी वांगजी के दिल को सहज महसूस करवा रही थी। वैसे ये ब्रेसलेट अच्छा है, सिचेन ने यह जानबूझकर कहा। वांगजी का बच्चों जैसा मासूम चेहरा देखते हुए वो मुस्कुराकर बाहर चले गए। वांगजी को ये समझते देर नहीं लगी कि सिचेन को वांगजी के दिल में जो तूफान चल रहा है उसके बारे में पहले ही पता चल चुका है, इसलिए वो वांगजी को ब्लेसिंग्स देने आए थे। ऐसा नहीं था कि वांगजी मजबूरी में ये रिश्ता कर रहा है या फिर किसी राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कल के कोर्टिंग सेशन के लिए तैयार था, लेकिन कोर्टिंग सेशन का ख्याल आते ही वांगजी के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने देखा था कि वुशियान लूसी और यांगजी के साथ किस तरह घुल मिलकर बातें कर रहा था। उसके दिल में भारीपन महसूस होने लगा और आंखों में उदासी छा गई। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी, वुशियान उसके लिए कौन है और वो वुशियान के लिए कौन है। इधर अपने बेड पर लेटे लेटे वुशियान शाम की घटना के बारे में सोच रहा था। उसे अपने लिप्स पर अभी भी वांगजी का टच, उसका टेस्ट महसूस हो रहा था। वुशियान ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि वो किसी के लिए इतनी हद तक पागल हो जाएगा। किसी को पाने की, उसे हमेशा अपने पास रखने की
अपना बनाने की चाहत उसके सर चढ़कर बोलेगी। अपना हाथ सर के नीचे रखते हुए वो छत को ताक रहा था, ये सोच रहा था कि वांगजी को पाना इतना मुश्किल क्यों है। वैसे अड़ियल लांचरियन के भतीजे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वांगजी की आंखों में उसके लिए आकर्षण दिखता है, लेकिन फिर भी वांगजी हमेशा उससे दूर क्यों भागता रहता है। क्या वो बहुत जल्दबाजी कर रहा है, या फिर वांगजी को ये सब पसंद ही नहीं है। वो इतना ज़िद्दी क्यों है, सोचते हुए होशियान ने साय किया, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही खतरनाक स्माइल आ गई। कल कोर्टिंग का दिन था और उसने जानबूझकर वांगजी की बारी सबसे आखिर में रखी थी, ताकि सभी उम्मीदवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बिताकर बाकी का पूरा दिन वो वांगजी के साथ बिता सके। ऑफिशियल कोर्टिंग होने की वजह से वांगजी कल तो भाग नहीं पाएगा। होशियान की पलकें भारी हो गई। वांगजी के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आज कोर्टिंग का दिन था। होशियान ने हमेशा की तरह काले रोब्स पहने हुए थे, साथ में अपने बाल लाल रिबन से बांधे हुए थे। उसका कोर्टिंग का पहला उम्मीदवार जिंग गोंगयाओ था। दोनों की मुलाकात काफ़ी फॉर्मल रही। गोंगयाओ एक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ प्यार करना और गृहस्थी बसाना होशियान के समझ के परे था। गोंगयाओ एक अच्छा राजनीतिक सलाहकार बन सकता था, एक अच्छी पत्नी नहीं। होशियान ने करीब आधे घंटे तक गोंगयाओ से बातचीत करने के बाद उससे विदा ली। गोंगयाओ नाराज तो हो गया, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर उसने मुस्कुराहट कायम रखी। होशियान का दूसरा उम्मीदवार ने होयसांग था। ये जिन गोंगयाओ के बिल्कुल विपरीत था, दिमाग से पैदल और बातूनी। ने होयसांग के साथ समय बिताकर होशियान को ऐसा लगा कि होयसांग पार्टनर इन क्राइम है, उसके साथ मिलकर कई कांड किए जा सकते हैं। वो एक अच्छा मित्र साबित हो सकता है, लेकिन उसका औरा जियांग फुरेन बनने के काबिल नहीं है। होशियान के साथ 20 मिनट बिताकर होयसांग ने उससे विदा ली, ये वादा करते हुए कि बाद में कभी वो साथ में समय बिताएंगे, गपशप करेंगे। होयसांग के जाते ही जिन लुसी अंदर आ गई और आते ही होशियान से चिपक गई। उसके इस स्वभाव से होशियान को न सिर्फ चिढ़ होती थी, कभी कभी तो उसे डर भी लगता था। उसकी आंखें हमेशा ही होशियान को ऐसे ताकते रहती थी जैसे वो उसे छूना चाहती हो। अपनी वर्जिनिटी खोने के डर से होशियान ने लुसी के साथ का कोर्टिंग सेशन तुरंत खत्म कर दिया। इतनी आसानी से कोई बाहें फैलाए उसके लिए खड़ा हो, ये होशियान को कभी पसंद नहीं आता। उसे तो ऐसी चीज़ें पसंद है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। वांगजी वेटिंग रूम में बैठा बैठा बोर हो गया था। अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए वो गुचिन बजा रहा था। अब तक उसने काफ़ी नोट्स प्ले किए थे। तभी उसके कमरे में एक खरगोश चला आया। वांगजी ने बिना देर किए उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसे गोद में लेकर वो बाकी के खरगोशों को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकला। इधर होशियान के साथ निये यांगजी का कोर्टिंग सेशन चल रहा था। जियांग गोंगजी, चाय पीजिए, यांगजी ने अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ कहा। होशियान ने चाय की खुशबू लेते हुए उसका एक घूट पिया। वो सच में लाजवाब थी। ये तो कमाल की है, क्या आपने इसे खुद बनाया है, होशियान ने पूछा। हाँ गोंगजी, ये निये राज्य की खास चाय है, इससे आपको राहत मिलेगी, मैंने खास करके ये आपके लिए तैयार करवाई है। यांगजी ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ होशियान को जवाब दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ध्यान में रखते हुए ये चाय बनाई, मैं हमेशा इस बात को याद रखूँगा, होशियान ने कहा। होशियान ने चाय ख़त्म की और यांगजी को लेकर तालाब के पास चला गया। दोनों साथ साथ चलते हुए काफ़ी सारे विषयों पर चर्चा कर रहे थे। यकीनन यांगजी एक अच्छा जीवनसाथी बन सकती थी, उसे कोई मना नहीं कर सकता था। वो खूबसूरत थी, बुद्धिमान थी, एक राजघराने से होने की वजह से उसे सभी तौर तरीके अच्छे से पता थे। हाँ, उसके पास शक्तिशाली गोल्डन कोर नहीं थी, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करे तो उससे बेहतर और कोई नहीं था। अगर होशियान यांगजी को पसंद करता है तो उसे निये परिवार के युद्ध सामग्री की मदद मिलती रहेगी। लेकिन होशियान यांगजी को अपनी फुरेन की जगह पर नहीं सोच पा रहा था, और इसके पीछे की वजह वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। जियांग गोंगजी, मुझे पता है मुझ में काफ़ी सारी कमियां है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवनसाथी के रूप में मेरा विचार ज़रूर करेंगे, कहते हुए यांगजी पीछे पलट गई। अपने झुकी पलकों के साथ ब्लश करते हुए उसने अपने प्यार का इजहार किया। इस ट्विस्ट के लिए होशियान तैयार नहीं था। उसने कहा, यांगजी साहब जी, मैं आपके भावनाओं की इज्जत करता हूँ, लेकिन
वु शियान यांगजी के दिल में अपने लिए झूठी उम्मीद नहीं पैदा करना चाहता था। क्या आप पहले से ही किसी को पसंद करते हैं? यांगजी के सवाल से वु शियान रंगे हाथों पकड़ा गया। वु शियान की आंखों के सामने वांगजी की एक झलक आ गई जब उसने झरने के सामने वांगजी को तलवारबाजी करते हुए देखा था। कोई बात नहीं, मैं हालात के हिसाब से बदलना जानती हूँ। क्या अब भी आप मुझे एक प्रेमी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? यांगजी ने वु शियान से कहा। मैं वादा करती हूँ, मैं और कोई सवाल नहीं पूछूंगी। आप मेरे साथ हो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं काफ़ी सालों से आपसे प्यार करती हूँ, यांगजी ने वु शियान का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा। अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। निये साउजी है, वु शियान आगे कहने वाला था, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वो दंग रह गया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।